राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि तो मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि कुमार बासु कहता है भार्या से, तुम्हारे ये स्वर को क्या हो गया? और फिर भार्या कहती है, वो मैं, आपने जो इतनी प्रशंसा की ना मेरी। भाव आवेश में कंठ बैठ सा गया है। और फिर कुमार बासु कहता है, ये तो तुम्हारी श्रेष्ठता है भार्या, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि तुम मुझसे मिलने। और फिर तभी राजकुमार बासु रुक जाते हैं और कहते हैं, भार्गवी को देखने यहाँ आई। और फिर भार्या कहती है, भार्गवी को मिलने तो आना ही था। और फिर अत्यंत क्रोध में गोविंद राज स्मरण करते हैं, ये श्रीनिवास को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझसे कहा था कि इस बासु को वो मुझसे दूर रखेगा, किंतु ये बासु मुझसे दूर जाने के स्थान पर और निकट आता जा रहा है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे, वेंकटेश कहते हैं, भार्गवी से आपको ज्ञात है भार्या ने स्वयं अपने हाथों से आपके लिए जड़ी बूटी बनाई है, इसे ग्रहण करोगी तो शीघ्र अति शीघ्र ठीक हो जाओगी। और फिर जड़ी बूटी देते हैं वेंकटेश और कहते हैं, भार्गवी से इसे ग्रहण करो। और फिर भार्गवी जड़ी बूटी ग्रहण करती हैं। और फिर भार्गवी वेंकटेश से पूछती हैं, आपके पैर की चोट कैसी है? और फिर वेंकटेश कहते हैं, अब ठीक है। और भार्गवी कहती हैं, धन्यवाद मेरी सहायता करने के लिए। और कहती हैं आगे, भार्गवी आपने बहुत प्रयास किया किंतु मुझसे नहीं हो पाया। अब आप राजकुमारी पद्मावती को जाकर ये सूचना दे सकते हैं कि बिना प्रतियोगिता आरंभ हुए ही वो विजय प्राप्त कर चुकी हैं। मैं तो अभ्यास करते हुए ही अचेत हो गई। और कहती हैं, ना जाने प्रतियोगिता में क्या होगा। और फिर तभी वेंकटेश कहते हैं, ठीक है, मैं जाकर बता देता हूँ कि आप प्रतियोगिता में भाग नहीं ले सकती। ठीक है, किंतु उससे पूर्व मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसके उत्तर मिल जाए तत्पश्चात मैं बता दूंगा। और फिर भार्गवी कहती हैं वेंकटेश से, कैसे प्रश्न? और फिर वेंकटेश कहते हैं, ये बताइए कि जब आप नृत्य कर रही थीं, अपने नेत्र बंद करने के पश्चात आपने एक बार भी उस व्यक्ति को? और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं और कहती हैं, हाँ, देखा मैंने उसे। और फिर वेंकटेश पूछते हैं, तो क्या आप उसे प्रसन्न करना चाहती थी? और फिर भार्गवी कहती हैं, हाँ, करना तो चाहती थी। और फिर वेंकटेश कहते हैं, तो क्या वो व्यक्ति प्रसन्न हुआ? उसके मुख पर मुस्कुराहट देखी? और फिर भार्गवी कहती हैं, हाँ, देखी मैंने उसके मुख पर प्रसन्नता। और फिर वेंकटेश कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि आप प्रसन्नता इसलिए प्राप्त कर पाई क्योंकि आपको उसके मुख पर प्रसन्नता देखनी थी। बस इसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं आपने अपने दुख को मात दे दी, उस पर आपने विजय प्राप्त की है। और फिर वेंकटेश कहते हैं, यही संसार में चाहे जो कुछ भी हो जाए, तथा प्रेम और प्रसन्नता इन्हीं की विजय होती है। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ कर नहीं पा रही। और फिर आगे वेंकटेश कहते हैं, जितना मैंने देखा उसके अनुसार तो मुझे लगता है कि आप अत्यंत एक श्रेष्ठ नर्तकी बन सकती हैं। जो आपने किया उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ आप कर भी सकती हैं। आवश्यकता है तो और अधिक प्रयास करने की। आप प्रयास करोगी तो सब कुछ संभव है। और फिर भार्गवी कहती हैं वेंकटेश से, ठीक कहा आपने, मुझे अच्छा लग रहा है, जैसे मन थोड़ा हल्का हो गया हो। और कहती हैं, भार्गवी क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं? और फिर वेंकटेश कहते हैं, पूछो। और फिर भार्गवी कहती हैं, आप सबके विषय में इतना कुछ कैसे जानते हैं? कैसे ज्ञात है आपको विशेष कर मेरे विषय में? और फिर वेंकटेश कहते हैं, आपके नेत्र है ना, सब कुछ बता देते हैं। और कहते हैं, किसी किसी के नेत्र ऐसे होते हैं समस्त कथा बता देते हैं। आपके नेत्रों में देखूं तो एक विशाल समुद्र दिखता है और मैं बड़ी सरलता से उसे देख पाता हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि औषधि का गिलास नीचे गिर जाता है। और फिर वेंकटेश कहते हैं, तो क्या बताऊँ मैं राजकुमारी को जाके? और फिर भार्गवी कहती हैं, कह दीजिए उन्हें कि मैं करूंगी उनके साथ प्रतियोगिता। और ये सुनकर वेंकटेश भी प्रसन्न हो जाते हैं और भार्गवी भी प्रसन्न होती हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज और श्रीनिवास भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज से, वासु ने कितना स्वादिष्ट भोजन भेजा है। और तभी द्वार खटकने लगते हैं और राजकुमार वासु होते हैं और कहते हैं, भार्या, मैं वासु, कुछ बात करनी थी तुमसे, क्या मैं भीतर आ सकता हूँ? और फिर तभी गोविंदराज अत्यंत क्रोध में आ जाते हैं, इससे मैं मार दूंगा मैं इसे। तभी श्रीनिवास कहते हैं,
बैठिए, सोचिए ना, यदि बासु को ज्ञात हो गया कि हम एक ही कक्ष में बैठ के एक ही थाली में भोजन ग्रहण कर रहे हैं, हमारे मध्य में सब कुछ सुलझ चुका है तो गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है। और फिर वेंकटेश कहते हैं भार्या से, अब क्या करें, कुछ तो युक्ति लगाइए। और तभी राजकुमार बासु कहता है, क्या हुआ भार्या, तुम उत्तर क्यों नहीं दे रही हो, सब ठीक तो है ना। और फिर गोविंद राज कहते हैं श्रीनिवास से, अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ इस बासु का, या क्या करती हूँ इस बासु का। और फिर भार्या कहती है, अरे राजकुमार बासु, आप इस समय यहाँ, वो क्या है ना, रात्रि में मैं ऐन से पूर्व जाप करती हूँ ना, इसीलिए मैं आपसे इस समय बात नहीं कर पाऊंगी। और फिर कुमार बासु कहता है, क्षमा करना भार्या, मैंने तुम्हारे कार्य में विघ्न डाला। और कहता है, तुम्हें भूख लगी होगी ना, मैंने तुम्हारे लिए भोजन भेजा था, मैं वही सुनिश्चित करना चाहता था कि तुमने भोजन ग्रहण किया या नहीं। और फिर भार्या कहती है, हाँ हाँ, भोजन तो ग्रहण कर ही लिया है मैंने। और कहती है, आप चिंता मत कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और राजकुमार बासु ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो जाता है। और फिर आगे भार्या कहती है, अब मैं जाकर अपना जाप आरम्भ करूँ। और फिर कुमार बासु कहता है, हाँ हाँ अवश्य, कल प्रातः मिलते हैं हम, शुभ रात्रि। और फिर भार्या भी कहती है शुभ रात्रि। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास कहते गोविंद राज से अत्यंत प्रसन्न होके शुभ रात्रि। और फिर गोविंद राज कहते हैं, तुम अब भी परिहास कर रहे हो मेरे साथ, और कहते हैं तुम्हें ज्ञात भी है श्री, इस बासु के कारण इतनी समस्याएं हो रही है मुझे। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, बासु की चिंता छोड़ दीजिए, भोजन कीजिए, देखिए कितना स्वादिष्ट है ये भोजन। और फिर गोविंद राज भोजन देखते हैं और कहते हैं, हाँ वैसे बात तो ये भी उचित है। और भोजन ग्रहण करते हैं गोविंद राज और वेंकटेश। और फिर गोविंद राज कहते हैं, वैसे श्री, तुम कह तो रहे थे कि भार्गवी को स्वयं से प्रेम हो जाएगा, किंतु इन सबके मध्य उसे श्रीनिवास से भला प्रेम कैसे होगा, क्या उस और कोई बात आगे बढ़ेगी, या मेरा ये भार्या बनना, इतने प्रयत्न करना, ये सब झेलना, ये सब ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा। और फिर वेंकटेश कहते हैं, बात आगे बढ़ेगी, निश्चित रूप से बढ़ेगी आगे गोविंद राज, आप चिंता मत कीजिए। और कहते हैं आगे वेंकटेश, श्रीनिवास से 100% प्रेम होगा भार्गवी को। और फिर गोविंद राज कहते हैं, किंतु कैसे हो जाएगा, कुछ बात हुई है, कुछ हुआ है, वो बताओ ना मुझे। और फिर वेंकटेश कहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है मेरी योजना के अनुसार ही हो रहा है, और मुझे लगता है कि आगे भी जो कुछ होगा मेरी योजना के अनुसार ही होगा। और फिर बताते हैं गोविंद राज को, सबसे पहले भार्गवी को लगाव होगा वेंकटेश से मेरे साथ, और जब मैं बताऊंगा कि मैं वेंकटेश नहीं श्रीनिवास ही हूँ, तब उसे श्रीनिवास से भी प्रेम हो जाएगा। और फिर गोविंद राज कहते हैं, कैसे मान लूं मैं ये, तुम एक काम करो, मुझे इसका प्रमाण दो, प्रमाण दो कि भार्गवी को वेंकटेश से लगाव होने लगा है। और फिर वेंकटेश कहते हैं, आप एक कार्य कीजिए, कल प्रातः काल में नदी के तट पर पहुंच जाइए, प्रमाण मिल जाएगा। और फिर गोविंद राज कहते हैं, नदी के किनारे क्यों, वहाँ क्या होने वाला है। और फिर वेंकटेश कहते हैं, जाइए तो सही, प्रमाण मिल जाएगा। और कहते हैं शुभ रात्रि, और उठ के चले जाते हैं वेंकटेश। और तभी गोविंद राज कहते हैं, शुभ रात्रि नहीं, अब तो शुभ प्रातः काल होगा, जब मुझे तुम्हारा प्रमाण मिलेगा। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती है, भार्गवी अब कैसा स्वास्थ्य है तुम्हारा। और फिर भार्गवी कहती है, मैं ठीक हूँ आई। और फिर आई कहती है, कुमार बासु तो अत्यंत चिंतित हो गए थे, और बताती है, क्या तुम्हें ज्ञात है, उन्होंने पूर्ण गाँव में ये सूचना दी है कि उस मनुष्य का पता लगाए जिसने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। और फिर भार्गवी कहती है, तो क्या उस व्यक्ति का कुछ पता चला। और फिर आई कहती है, अभी तो नहीं, किंतु तुम देखना, ऐसे उन्हें पता चलेगा ना, सबसे पहले वो तुम्हें ही बताएंगे। भार्गवी मुझे क्या लगता है कि तुम्हें भी उनके लिए कुछ करना चाहिए। और फिर आई चली जाती है, और उमा कहती है भार्गवी से, जब कुमार बासु को वो व्यक्ति मिलेगा जिसने आपके वस्त्र चुराए थे, तो आप उसे दंड दोगी ना। और फिर भार्गवी कहती है, हाँ हाँ अवश्य दूंगी उसे दंड, यदि उसे दंड नहीं दिया गया तो वो बाकी स्त्रियों के साथ भी ऐसा कर सकता है, मैं देखूं तो सही, एक बार पकड़ में तो आए वो, ऐसा दंड दूंगी कि जीवन भर स्मरण रखेगा वो। और फिर वेंकटेश कहते हैं, तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होगी भार्गवी,
और इस कार्य में महादेव स्वयं तुम्हारी सहायता करेंगे। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे, तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।